सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम Realme Buds Air 3S का जो रिव्यू है वो देने वाले हैं। लगभग मुझे एक साल इन्हें यूज़ करते हुए हो गया है और यहाँ पर मैं आपको सारा एक्सपीरियंस इसका शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और यदि आप इन्हें वायर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसके बिल्ड और डिज़ाइन से। तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पर ऊपर आपको प्लास्टिक का एक केस देखने को मिलता है। ये जो कवर है ये प्लास्टिक का है और नीचे मैट फिनिश की जो बॉडी है वो दी गई है। यहाँ पर बात करें इसके प्लास्टिक की तो यहाँ पर मुझे स्क्रैच तो नहीं मिले, लेकिन जो काफ़ी ज़्यादा डेंट है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये देखिए। और इतना यूज़ करने के बाद ये मामूली सा ही स्क्रैच यहाँ पर आया है। और बिल्ड क्वालिटी से कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है, मैंने ये कई बार मेरे हाथ से छूटकर गिर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और केस का जो साइज़ है वो यहाँ पर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। यहाँ पर ये पॉकेट में आसानी से नहीं आ पाते हैं। वैसे तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये डिस्टर्बेंस देंगे। इसके जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर हम अगला जो बात करते हैं इसकी चार्जिंग और इसकी बैटरी लाइफ की। तो चार्जिंग की बात करें, सबसे बेस्ट आपको 2000 रुपये के अंदर सबसे बेस्ट जो चार्जिंग की स्पीड है वो देखने को मिलेगी। यहाँ पर इन्हें आप 5 से 10 मिनट यदि बॉक्स में रख देंगे तो ये फुल चार्ज आपको देखने को मिल जाएंगे। और बॉक्स की बात करें यहाँ पर, तो इसकी जो टोटल टाइमिंग है 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट के आसपास में ये फुल चार्ज हो जाते हैं। और यहाँ पर ग्रीन लाइट इंडिकेटर आपको दिया गया है, जो कि आपको बैटरी परसेंटेज और यहाँ पर पेयरिंग मोड के लिए इंडिकेट करेगा। यहाँ पर जो आपको बटन दिया गया है, इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको 5 सेकंड यदि आप होल्ड प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो ये जो लाइट है ये वाइट कलर में शो होगी, जिससे कि आप इन्हें पेयरिंग मोड में ला सकते हैं। और टच कंट्रोल में इनके आपको कोई भी पेयरिंग मोड का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप इन्हें डायरेक्टली बॉक्स से ही पेयर कर सकते हैं। और यदि आप डबल टैप ट्रिपल टैप से आप यदि नेक्स्ट या पॉज प्ले पॉज करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको फीचर देखने को मिल जाएगा। इसके जो टच इंडिकेटर हैं वहाँ पर आपको कुछ जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये काम करते हुए मुझे लगे हैं। यहाँ पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल, प्ले एंड पॉज और नेक्स्ट एंड प्रीवियस, यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दोनों ईयरबड्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। और Realme Link ऐप के थ्रू भी आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको Realme Link ऐप में जो भी आपको फीचर देखने को मिलते हैं वो मैं आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर आप Realme Link ऐप को ओपन करेंगे और ये यहाँ पर ये देखिए चार्जिंग परसेंटेज दोनों बड्स की और यहाँ पर केस की जो चार्जिंग है कितनी बैटरी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। और यहाँ पर आपको 4 मोड देखने को मिलते हैं साउंड इफेक्ट के, सेरेनेडे, ओरिजिनल साउंड, प्योर बेस, डीप बेस। तो यहाँ पर सेरेनेडे में क्या होगा, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर वोकल आपको देखने को मिलेंगे। ओरिजिनल साउंड में एकदम बैलेंस ऑडियो आपको देखने को मिलेगी और प्योर बेस में जो आपको बेस है वो थोड़ा हैवी साइड हो जाएगा और डीप बेस में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेस जो है बूस्ट कर लेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर डीप बेस में आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी क्लियरिटी देखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगा यहाँ पर ओरिजिनल साउंड और प्योर बेस में देखने को मिला है। और अपने आप खुद से भी इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप कस्टम पर जाएंगे और यहाँ पर एड इक्वलाइजर पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसकी बेस और ट्रेवल को कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी बेस और ट्रेवल को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये सब फीचर आपको इस लिंक ऐप में, Realme Link ऐप में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से अब हम बैक करते हैं, बात करते हैं इसके वॉल्यूम एनहेंसर की। तो यहाँ पर जो यदि आप इसे ऑफ करके रखेंगे तो आपको ऑडियो काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, यदि आप इसे ऑन करके रखेंगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। और बात करें यहाँ पर अगले मोड की, तो ये है गेम मोड। यदि आप गेम खेलना पसंद करते हैं तो आप इसे ऑन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा आपको जो है स्टूडियो सेपरेशन देखने को मिलेगा। और यदि आप गेम मोड में इन्हें यूज़ करना चाहते हैं तो आप सेरेनेडे मोड में ही यूज़ करें। यहाँ पर इस मोड को आप अप्लाई कर दें और गेम मोड को ऑन कर दें, तभी आप इन्हें यूज़ करें, नहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। और अगला फीचर जो है ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग कनेक्शन।
तो यहाँ पर ये जो फीचर है, यदि आपके पास लैपटॉप या अदर कोई डिवाइस है तो आप मोबाइल और लैपटॉप से एक साथ इन्हें कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर होगा कैसे ये यूज़, यदि आप अपने लैपटॉप से डायरेक्ट सॉन्ग को ही चलाएंगे तो आपके लैपटॉप से ये डायरेक्ट कनेक्ट होकर चलने लगेंगे, और यदि आप अपने स्मार्टफोन से कोई सॉन्ग चलाएंगे तो आपके स्मार्टफोन से ये कनेक्ट होकर चलने लगेंगे। तो अगला जो फीचर है यहाँ पर बटन सेटिंग, इस पर आप जाएंगे तो आप अपने हिसाब से इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं। डबल टैप यहाँ पर, ये देखिए प्ले एंड पॉज, नेक्स्ट ट्रैक, यदि आप नेक्स्ट ट्रैक करना चाहते हैं तो डबल टैप करने के बाद लेफ्ट साइड का जो ईयरबड है वो आपका नेक्स्ट ट्रैक पर हो जाएगा। आप कोई गाना सुन रहे हैं तो वो नेक्स्ट ट्रैक पर पहुंच जाएगा। तो इसी तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये राइट ईयरबड का जो एक्शन है वो दिया गया है, डबल टैप, यहाँ पर आप प्रीवियस ट्रैक डाल देते हैं, और टच एंड होल्ड से हम यहाँ पर वॉल्यूम डाउन लगा देते हैं। यहाँ पर आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, नन करेंगे तो ये बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। और यहाँ पर वॉल्यूम अप पर क्लिक कर दीजिए। तो इसी तरीके से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर फीचर दिए गए हैं। टच एंड होल्ड से आप करना क्या चाहते हैं, ये देखिए गेम मोड, यदि आप दोनों ईयरबड्स को एक साथ टच एंड होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पर आपका जो गेम मोड है वो ऑन हो जाएगा विदाउट ऐप को ओपन किए। तो ये सब आपको रियलमी लिंक ऐप में फीचर देखने को मिलते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम इसके साउंड क्वालिटी की तरफ। तो साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है इनकी। और यदि मैं आपसे कंपेयर करना चाहूँ ओप्पो एनको बड्स 2 से, तो वहाँ पर जो आपको ऑडियो दिया गया है वो एकदम बैलेंस ऑडियो दिया गया है, ना ही आपको वहाँ पर ज़्यादा बेस बूस्ट देखने को मिलेगी। और यदि आप बेस बूस्ट मोड में उसे यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी मोड अप्लाई कर लीजिए, ये आपको एकदम बैलेंस ऑडियो प्रोवाइड करके देंगे। अंडर 2500 के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी डील है। या यहाँ पर आपको कोई भी बड्स इसके टक्कर का आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो आप इन्हें बाय कर सकते हैं। यदि आप लेना ही चाहते हैं तो आप थोड़ा और प्राइस को इंक्रीज कीजिए और आप Realme Buds Air 5 को परचेज कर लीजिए। वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल फिटिंग देखने को मिलेगी और फीचर भी काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाएंगे। तो यही था आज के इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। ओके बाय।